छत्तीसगढ़ में चुनाव में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और ऐसे में स्टार प्रचारक पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। आज महासमुंद जिले में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा चंदन यादव महासमुंद पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे जनता से संवाद शुरू किया। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस और किसानों को आज से 20 क्विंटल की धान खरीदी शुरू होने पर बधाई दी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है और कांग्रेस आम जनता की। बीजेपी उद्योगपतियों के हजारों लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, लेकिन जब कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करती है तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वहीं अंत में भूपेश बघेल ने जिले के चारों प्रत्याशियों को मंच के सामने लाकर विधानसभा के चारों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। महासमुंद से खगेश साहू की रिपोर्ट। खड़ी रही है और यही कारण है कि आप सबसे मिलते रहे, जुलते रहे, सुख में, दुख में, तकलीफ में। तो जो हमने 16 वादे के बोल के भागने वाले नहीं है और झूठ बोलने वाले नहीं है या जुमलेबाजी करने वाले नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा आपको इलेक्शन से पहले, एक एक को बाहर से काला धन लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालेंगे, कहा या नहीं कहा? और दूसरी बात क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हमारे देश के नौजवानों को दूंगा। दिए 2 करोड़ नौकरियां, आज तक 18 करोड़ नौकरियां देना था, वो दिए नहीं, तो वो भी झूठ निकले। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। किसानों की आमदनी मैं डबल करूंगा, उन्होंने कसम खा खा कर ये कहा, वायदे किए, लेकिन ना